इन सब में तो भटूरे हैं आज। मैं कह रहा हूँ उसका कोई जवाब ही नहीं है। तो जो दिल्ली वाला टेस्ट है ना, वो टेस्ट मैंने इशार में दे रखा है। दिल्ली जायके की दुनिया है और यहाँ का जायका अपने आप में दुनिया का नायाब रंग। दिन का दूसरा पहर और भूख के मारे पेट में कलाबाजी करते चूहे दुहाई दे रहे थे कि दिल्ली का जायका चखे मोहतरमा हमें बहुत दिन हो गए। एक तो ये भूख, ऊपर से इनकी लाजवाब सी अर्जी पर मोहर लगाते मैंने जैसे ही कदम दिल्ली की ओर बढ़ाए तो मेरी नजर अचानक इस बोर्ड पर जा टिकी। दिल्ली की इतनी दूरी और भूख के मारे बेहाल पेट पर तरस खाते हुए मैंने अपने कदम पीछे खींच लिए और तलाश शुरू की उसी जायके की। कुछ देर बाद मेरी मंजिल मुझे शहर के राजगुरु मार्केट ले आई। मेरी नाक पर दस्तक देती देसी घी में पक रहे पकवान की धीमी धीमी सुगंध कुछ जाना पहचाना स्वाद बतला रही थी। तभी नजर पड़ती है खौलते गर्मा गर्म देसी घी में तले जा रहे इन मखमली भटूरों पर। इन्हें देखने भर से मानो मंजिल जन्नत में तब्दील हो गई हो। दिल्ली की वही पुरानी खुशबू मानो पूरे बाजार में अपने जायके का जादू बिखेर रही थी। अब तो पेट के चूहों को भी इस खुशबू से मानो तसल्ली सी हो गई थी। अभी एक चूहा तपाक से बोला, वाई दिस कोला वेरी डी? डी नहीं, दिल्ली बोल रहा होगा मुआ। खैर, अब मैंने रुख किया अपनी मंजिल का, जहां पर ये बड़ा सा होर्डिंग मेरी जिज्ञासा को और बढ़ा रहा था। यहां क्या कुछ खास है यह जानने के लिए मैंने इन जनाब से पूछा तो इन्होंने बड़े बेबाकी से अपने दिल्ली वाले अंदाज में चंद शब्दों में पूरी कहानी बयां कर दी। सबसे स्पेशल यहां पे है कि आपको इशार में अगर दिल्ली का टेस्ट चाहिए, क्योंकि बंदा दिल्ली जाता है खाने के लिए कि यार कभी पलाठे पराठे वाली गली हो गई, NSP हो गया, कभी सरदार जी के भटूरे हो गए, तो जो दिल्ली वाला टेस्ट है ना, वो टेस्ट मैंने इशार में दे रखा है। आप कोई भी आइटम खाओगे, मेरे पास साउथ इंडियन भी है, चाइनीज भी है, प्रॉपर चाट भी है, पनीर वाले छोले भटूरे भी हैं, लस्सी भी है, सैंडविच भी है, बर्गर भी है। आप जो भी आइटम खाओगे, हर आइटम में आपको दिल्ली का टेस्ट मिलेगा। यहाँ का जायका चखने से पहले हमारी मुलाकात हुई इन सरदार जी से, जो कि पहले से ही मौके पर चौका मार चुके थे और सिर्फ इतना ही नहीं, अपनी पूरी टीम के लिए पैकिंग करवा चुके थे। सब आइटम बढ़िया है, तो आज अभी आपके सामने पैकिंग है, आप देख सकते हैं। तो क्या कुछ है इनमें? इन सब में तो भटूरे हैं आज। अच्छा, सब में भटूरे हैं, तो ये सभी भटूरे के आइटम। हाँ जी, भटूरे का जो टेस्ट है आपकी फैमिली में भी काफी पसंद किया। एक्सट्रीमली गुड है जी, बहुत बढ़िया है। ठीक है, हम चाहते थे कि राजगुरु मार्केट मान लो मेन हब है ये, तो यहाँ अगर और काउंटर खुलते हैं तो अच्छा है, अलग अलग टेस्ट अपन ट्राई कर सकते हैं, और ये काउंटर वाकई में बहुत बढ़िया है, टेस्ट यूनिक है। तो सर अगर रेटिंग करनी हो तो आप 5 out of कितनी रेटिंग इसको देंगे? 5 से ऊपर देना चाहें तो 5 से 6 दे सकते हैं। यानी अरे सर बिल्कुल दे सकते हैं, तो 6 है हमारी तरफ से, बेस्ट, वेरी गुड। चंद सेकंड का सफर और ये मखमली पनीर वाला भटूरा मसालेदार छोलों के साथ आ पहुंचा हमारी टेबल पर। तो मेरे छोले भटूरे आ चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, भटूरे आपको मिलेंगे, साथ के साथ आपको मिलेंगे छोले जिस पे गार्निशिंग की गई है पनीर के साथ, और साथ में आपको मिलेंगे प्याज, चटनी, अचार और मिर्च, साथ में एक लस्सी का गिलास भी है। तो दोपहर की नींद का एक पूरा इंतज़ाम है। तो टेस्ट करके मैं बताने वाली हूँ कि कैसे हैं ये टेस्ट में, दिल्ली वाला टेस्ट इनमें है या नहीं, और रिव्यू भी करेंगे, रेटिंग भी करेंगे। तो टेस्ट करते हैं कि बाकी छोले भटूरे से क्या अलग टेस्ट हमें मिलने वाला है। तो ये बाइट, साथ में कुछ प्याज, कमाल का टेस्ट। मुझे ये
सच में बहुत अच्छे लगे हैं। बाकी जो छोले भटूरे मैंने आज तक ट्राई किए हैं उसमें ये सबसे बेस्ट मुझे लगे हैं। बहुत अलग टेस्ट है, दिल्ली वाला जो टेस्ट है वो यहाँ पर आपको मिलेगा। और लस्सी भी हम लोग ट्राई करने वाले हैं क्या कुछ इसमें। छोले भटूरे और लस्सी का जो कॉम्बिनेशन है वो हमेशा से एवरग्रीन रहा है, तो इस टेस्ट के साथ ये लस्सी कमाल कर रही है। आपको यहाँ का सबसे बेस्ट आइटम कौन सा लगता है? छोले भटूरे ही लगे जी। छोले भटूरे ही खाया है, फर्स्ट टाइम आया हूँ HR 20 पे, तो अच्छा लगा जी, बहुत लाजवाब छोले भटूरे। थैंक यू। 5 out of कितनी रेटिंग देना चाहेंगे? 5 out of 5। हाँ जी। तो आप जैसे छोले भटूरे आपने ट्राई किए तो कैसा लगा आपको टेस्ट यहाँ का? अच्छा, काफ़ी अच्छा है। तो अगर रेटिंग करनी हो 5 out of 5 तो आप इसको कितनी रेटिंग देना चाहेंगे? 5 out of 5। मेरी तरफ से भी जो इसका रिव्यू है वो 5 out of 5 ही है, क्योंकि ये सच में बहुत अच्छे हैं। HR 20 चाट भंडार है उस नाम से ये शॉप है, और छोले भटूरे जैसे कि यहाँ की स्पेशल आइटम है तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए इसे। आसपास के एरिया में ऐसा टेस्ट नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूँ इस बात की। तो जो सबसे यूनिक चीज़ बनती है ना, हर चीज़ की यूनिक चीज़ है। 5 out of 5 तो आप कितनी रेटिंग देंगे? मैं 5 ही दूंगा। 5 out of 5। खुशी बता रही है, मैं तो रोज भाई के पास आता हूँ इसको संभालने के लिए, क्योंकि दिल्ली से है भाई है। और मेरा फर्ज बनता है कि राजगुरु मार्केट में कोई भी व्यापारी भाई है उसकी सेफ्टी मेरे हाथ में है, तो मैं भाई को दिल्ली मिलने आता हूँ कि काम ठीक है, सब कुछ ठीक है, मतलब ओके चल रहा है, बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। दिल्ली के कारीगरों की कारीगरी भी कमाल होती है, ये जहाँ जाते हैं वहाँ की आवाम को अपना बना लेते हैं।